नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूँ आपके साथ प्राची पारशर। आज निर्जला एकादशी है। आज के दिन भगवान विष्णु जी हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं। ऐसे में आज आचार्य जी बताएंगे ऐसे 7 उपाय जिन्हें करने से भगवान विष्णु जी आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे और साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिष आचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमो नारायण। तो यदि आपके मन में भी कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1-800-102-6303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-464-6332, 0120-464-6327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2072, मास चल रहा है ज्येष्ठ का और ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। नक्षत्र है हस्त, शुक्रवार का दिन है, योग है सिद्धि और करण है वाणिज्य। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार है निर्जला एकादशी के नाम से जानते हैं। ये बहुत ही विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है हमारी सनातन परंपरा में। चलिए अब जान लेते हैं 12 राशियों का हाल, आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोग, अपने किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट को लेकर के आप थोड़ा सा परेशान और भ्रमित हो सकते हैं। आज धन को बचा करके चलने की आवश्यकता है, वरना आगे जब धन की आवश्यकता पड़ेगी तो आप गंभीर आर्थिक समस्या में स्वयं को घिरा हुआ पाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का आप अनादर ना करें। चलिए अब जान लेते हैं वृषभ राशि वाले अपने दिन को शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता बहुत अच्छे से मिलेगी। आपके स्वास्थ्य और आपकी फिटनेस पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। आपके कुछ मुश्किल सवालों का उत्तर आज आपको प्राप्त हो सकता है। कोई बहुत ही बुजुर्ग, बहुत अनुभवी व्यक्ति आपको आपके सवालों का, प्रश्नों का जवाब आज देगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ब्रह्मा विद्युतमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन का बहुत ज्यादा दिखावा या किसी भी प्रकार से व्यय करने से बचना चाहिए। और अब जान लेते हैं मिथुन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मिथुन राशि वाले जातक लोग, आज आप अपने करियर को लेकर के बहुत बड़ी दुविधा में होंगे। आज आप अपने दिल की बात कहने में बिल्कुल भी देरी ना करें। आज वही जिम्मेदारी आपको स्वीकार करनी चाहिए, लेनी चाहिए, जिसे आप भली भांति निभा सकें। ऐसी जिम्मेदारी लेने से बचना चाहिए जिसे आप निभा ना सकते हो। कोई नया व्यापार आरंभ करने के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। उत्साह में किसी भी प्रकार की कमी मत आने दीजिए। और चलिए अब जान लेते हैं कर्क राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए क्या करें। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके लिए आवश्यकता है कि आज आप अपने दिमाग को जितना शांत और ठंडा रखें आपको उतना फायदा मिलेगा। किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ने से बचें, फिर चाहे वो वाद विवाद आपका हो या किसी दूसरे का हो, किसी के मामले में आप हस्तक्षेप ना करें। अपने जीवन की सभी परेशानियों का अंत सिर्फ आप ही कर सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए जो भी विवाद, जो भी समस्याएं आपके जीवन में वर्तमान में चल रही हैं उनका समाधान ढूंढने का प्रयास करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम धीराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। संपत्ति या उसके अलावा अन्यथा कहीं निवेश की योजना हो तो उससे बचना चाहिए। और चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए पारिवारिक जीवन में सुख शांति का वातावरण रहेगा। मुश्किलों से बचने से बेहतर है कि आप उनका डटकर के सामना करें, समाधान अवश्य निकलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम द्वैमात्रेयाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में आप यात्रा ना करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर है।
और चलिए अब जान लेते हैं कन्या राशि वालों का आज का राशिफल। कन्या राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में कोई बहुत महत्वपूर्ण, बहुत जरूरी निर्णय लेना पड़ सकता है जो आपके परिवार के हित से जुड़ा हुआ है। तो जो भी निर्णय करें, बहुत सूझबूझ के साथ, सोच समझ के साथ, चिंतन के साथ और परिजनों के साथ सलाह मशवरा करके ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम द्विज प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। शेयर मार्केट में निवेश करने से इस दौरान बचना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं तुला राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है। तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ने से बचें। फिर चाहे विवाद आपके घर का हो या बाहर का हो, खुद को आप विवादों से दूर रखें। अगर आप किसी भी प्रकार के वाद विवाद में पड़ेंगे तो पुलिस का चक्कर, कोर्ट कचहरी का चक्कर आपके लिए पड़ सकता है, इससे बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम देवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मांसाहार के सेवन और प्रयोग से इस दौरान बचना है। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले जातक आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करें। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए अपने विचारों को दूसरों के साथ आप शेयर करें। हमेशा चुप रहना किसी भी व्यक्ति के लिए ठीक नहीं होता है। जो भी आपके दिमाग में आइडियाज आते हैं उन्हें बांटिए। आज आप अपने निर्णय अपने दिमाग से लें, खुद सोचें और विचारें, फिर उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे तो आपको फायदा मिलेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दुर्वा बिल्व प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार अवश्य जाप करना चाहिए। आज एकादशी की तिथि है तो मांसाहार और मद्यपान के सेवन और प्रयोग से आप दूर रहिए। और अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज क्या उपाय करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए आज नए लोगों से मेल मुलाकात हो सकती है जिनसे आपको व्यापार में काफी सहायता मिलेगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दांताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। निवेश के लिहाज से आज का दिन आपके पक्ष में नहीं है तो आज निवेश मत करिए। चलिए जानते हैं मकर राशि वाले जातकों के सितारे आज क्या कह रहे हैं। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके अपने दैनिक रूटीन के जो काम है उनमें कुछ अवरोध आ सकता है, तो बाधा आने से आप परेशान मत होइए। आज आप अपने परिजनों और इष्ट मित्रों के साथ कहीं घूमने फिरने और कुछ मनोरंजन का कार्यक्रम भी बना सकते हैं। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए ओम दक्षाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज की तिथि में यात्रा करने से बचना है। और अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि वाले आज के दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपके दिमाग में कोई बहुत बढ़िया आइडिया, बहुत बढ़िया विचार आ सकता है। आज आप किसी लंबे समय पर जाना चाहते थे, उस लिहाज से आज का दिन यात्रा के लिए बहुत अच्छा नहीं बनता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित भगवान गणेश का स्तवन यदि आप पाठ करते हैं तो आपको फायदा मिलेगा। संतान पर क्रोध करने से बचना होगा। और चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज क्या उपाय करें। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके जीवन में कोई ऐसे बदलाव आ सकते हैं जो आपके जीवन को बहुत शुभ मायनों में प्रभावित करेंगे। आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। जो आपके पहले से रुके हुए कार्य थे उन्हें पूरा करने का आपको प्रयास करना चाहिए, उस मामले में आपको बहुत अच्छी सफलता मिल सकती है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए दुर्गा सहस्रनाम स्त्रोतम का पाठ करें तो आपको फायदा मिलेगा। आज अपने घर में अपने आसपास धातु का कोई जंग लगा हुआ धारदार सामान, हथियार, औजार आपको ना रखना चाहिए, ना प्रयोग करना चाहिए, इससे किसी दुर्घटना, चोट चपेट, एक्सीडेंट की स्थिति बनती है। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है। ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महा उपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज निर्जला एकादशी, और निर्जला एकादशी के बारे में कहते हैं कि यह साधना का अनूठा पर्व है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। एक ओर ज्येष्ठ मास की भीषण गर्मी जिसमें सूर्यदेव अपनी किरणों की प्रखर ऊष्मा से मानो अग्नि वर्षा कर रहे हों, आजकल पारा वैसे ही 45-48 डिग्री तक रहता है। दूसरी ओर श्रद्धालु धर्म प्राण जनता जो है हमारे देश की, उनके द्वारा दिन भर निराहार के साथ साथ निर्जल उपवास रखना बहुत ही कठोर स्थिति हो जाती है, इसीलिए इसे कठोर व्रत कहा जाता है, बहुत ही कठोर तपस्या कही जाती है।
सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही नहीं अपितु दूसरे दिन द्वादशी प्रारंभ होने के बाद ही व्रत का पारायण किया जाता है। अतः पूरे एक दिन एक रात तक बिना जल ग्रहण किए हुए बिना पानी पिए रहना, वह भी इतनी भीषण गर्मी में, तो ये बहुत कठिन हो जाता है और भारतीय उपासना पद्धति में कष्ट सहिष्णुता की पराकाष्ठा माना जाता है। हमारे धर्म ग्रंथों में इस पर्व को आत्मसंयम की साधना का अनूठा पर्व माना गया है। इसमें इस प्रकार से साधना करते हैं कि आपके शरीर की जो जरूरतें हैं उसको भी आप रोक सकें, आप अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण कर सकें। इस उपासना का सीधा संबंध एक ओर जहां पानी न पीने के व्रत की कठिन तपस्या साधना है, वहीं आम जनता को पानी पिला करके परोपकार की प्राचीन भारतीय परंपरा भी है। निर्जला एकादशी व्रत के बारे में महाभारत में महर्षि वेदव्यास जी के वचन है कि पूरे वर्ष में होने वाली एकादशी जिनमें अधिमास भी सम्मिलित होता है, यदि कोई न कर सके तो भी वह निर्जला एकादशी का व्रत अगर जातक करता है तो उसे सभी एकादशियों के व्रत का पुण्य फल जो होता है वह प्राप्त हो जाता है। इसीलिए व्यास जी ने भी भीमसेन को निर्जला एकादशी का व्रत करने की प्रेरणा दी, क्योंकि जठराग्नि तीव्र होने के कारण भीमसेन बिना खाए रह नहीं सकते थे। अतः भीमसेन ने वेद व्यास जी की प्रेरणा से इस व्रत को किया और अपनी जठराग्नि को यानी अपने शरीर की डिमांड को, आवश्यकताओं को नियंत्रित करके, अपने शरीर की इंद्रियों को नियंत्रित करके उस पर विजय प्राप्त की। निर्जला एकादशी की तिथि में इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना की जाती है। भगवान विष्णु की पूजा आराधना पूरे विधि विधान से आप करें तो लाभ मिलता है। लोग ग्रीष्म ऋतु में पैदा होने वाले फल, सब्जियां, पानी की सुराही, हाथ का पंखा आदि दान भी करते हैं। इस उपासना में कौटिल्य अर्थशास्त्र के वास्तु विनिमय के भी दर्शन होते हैं, क्योंकि धन की अपेक्षा साधन या वस्तुओं को उपलब्ध करा करके समाज तुरंत लाभान्वित हो सकता है। तो आवश्यकतामंद व्यक्ति को, जिसके पास पीने के पानी की सुराही तक की व्यवस्था नहीं है, जो व्यक्ति शीतल जल को प्राप्त कर सकता हो, जिसके पास इस गर्मी से बचने के लिए हाथ का पंखा भी ना हो, ऐसी चीजों को जरूरतमंद को दान करना बहुत बड़े परोपकार और पुण्य का काम होता है। इसीलिए इस व्रत के दिन प्राकृतिक वस्तुओं का दान करना सबसे बड़ा महात्म माना जाता है। आर्थिक रूप से सामर्थ्यवान लोग प्राकृतिक वस्तुओं के साथ धन, द्रव्य आदि का भी दान करके समाज को आत्मबल प्रदान करते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत का विधान क्या करना चाहिए, आइए आपको ये भी बता देता हूँ। निर्जला एकादशी के व्रत का विधान क्या होना चाहिए, आइए आपको बताता हूँ। इस स्थिति में आपको प्रातःकाल जल्दी उठ जाना है और नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर के सर्वप्रथम शेषशायी भगवान विष्णु की पंचोपचार से आप पूजा करें। इसके पश्चात मन को शांत रखते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का आप जाप करें। शाम को संध्या काल में पुनः भगवान की पूजा करें और रात में भजन कीर्तन करते हुए भगवान के समक्ष ही धरती पर आपको भूमि पर शयन करना चाहिए। दूसरे दिन किसी योग्य ब्राह्मण को आप अपने घर पर आमंत्रित करें, उसे भोजन कराएं तथा जल से भरे हुए पात्र यानी कलश के ऊपर सफेद वस्त्र से उसको ढक करके उस पर शर्करा यानी शक्कर, चीनी तथा कुछ दक्षिणा रख करके ब्राह्मण को दान करना चाहिए। चीनी के स्थान पर आप कुछ मिष्ठान यानी मिठाइयों का भी दान कर सकते हैं। ब्राह्मण को एकादशी में मिठाई यानी कुछ मीठा भोजन मिष्ठान ग्रहण कराना या दान करना उसका भी महत्व होता है, तो इसलिए अगर आप मिठाई दान करते हैं तो फायदा मिलता है। इसके अलावा अपनी शक्ति के अनुसार यथाशक्ति अन्न, वस्त्र, आसन, जूता, छतरी, पंखा तथा फल, छाता इत्यादि का दान करना चाहिए। इसके बाद स्वयं आप जब उनको विदा कर लें तब आप स्वयं भोजन करें। धर्म ग्रंथों के अनुसार उस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को वर्ष भर की एकादशियों का फल प्राप्त होता है। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य 23 एकादशियों पर अन्न खाने का दोष जो है वह दूर हो जाता है। इस संपूर्ण तथा संपूर्ण एकादशियों के पुण्य का लाभ भी मिलता है, तो इस कारण से इस एकादशी में आपको व्रत करना चाहिए। एवं यह कुरुते पूर्णा द्वादशी पाप नाशिनिम सर्व पाप विनिर्मुक्त पदम गच्छन नामयाम, ये इस व्रत के बारे में कहा गया। इस प्रकार जो इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से आप ये व्रत का पालन कर सकते हैं। आइए जानते हैं कि एकादशी पर 7 महत्वपूर्ण उपाय कौन से हैं जो आपको करने चाहिए, जिससे भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामना पूरी करते हैं। पहला उपाय ये कि धन की कामना रखने वाले साधक को एकादशी के दिन जो मंत्र मैं बताऊं उस मंत्र का 5 माला जाप अवश्य करना चाहिए। यह मंत्र है
ओम रिंग एं क्लिंग श्री मंत्र पुनः सुन लीजिए, ओम रिंग एं क्लिंग श्री। इस मंत्र का कम से कम 5 माला आपको जाप एकादशी में अवश्य करना है। दूसरी बात यह कि यदि आप निरंतर कर्ज की स्थिति में फंसे रहते हैं तो एकादशी की तिथि में घर के आसपास किसी भी पीपल के वृक्ष पर जल समर्पित करना चाहिए, जल का अर्घ देना चाहिए और शाम के समय में देसी घी का एक दीपक वहां पर जलाना चाहिए। पीपल में भी भगवान विष्णु का ही वास माना गया है, इस उपाय से जल्दी ही आप कर्ज मुक्त हो जाएंगे। तीसरी बात यह है कि काफी कोशिशों के बाद भी यदि आपकी आमदनी नहीं बढ़ पा रही हो या नौकरी में प्रमोशन ना हो रहा हो तो एकादशी के दिन 7 कन्याओं को अपने घर पर बुला करके आप भोजन कराएं। भोजन में कुछ मीठा, खासतौर पर खीर अवश्य होना चाहिए। कुछ ही दिनों में आपकी कामनाएं पूरी हो जाएंगी। चौथा उपाय है कि एकादशी के दिन एक नारियल और थोड़े से बादाम, मेवे वाले बादाम, भगवान विष्णु के मंदिर में आप चढ़ा करके आएं। इस उपाय को करने से आपके जीवन में सभी प्रकार के सुख आपको प्राप्त होंगे और आपके जो कार्य बार बार बाधित हो जाते हैं, अटकते हैं, वह काम निर्बाध रूप से पूरे होंगे। पांचवा उपाय है कि एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें और पूजा करते समय भगवान विष्णु को कुछ दक्षिणा आपको जरूर अर्पित करनी चाहिए। कुछ पैसे निकाल करके भगवान विष्णु की फोटो या प्रतिमा जो भी आपके पास है उसके पास रख दें। पूजा कर लेने के बाद ये पैसे आप अपने पर्स में रखें, इसको अलग से रखिए। इस उपाय को करने से आपका पर्स जो है वह धन से कभी खाली नहीं होगा। छठा उपाय यह है कि एकादशी के दिन शाम के समय में तुलसी के पौधे के सामने गाय के घी का, देसी घी का दीपक जलाएं और ओम वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करते हुए तुलसी देवी की 11 परिक्रमा करें। इस उपाय को करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और किसी भी प्रकार का कोई बड़ा संकट, अचानक से आने वाला संकट नहीं आता। सातवां और आखिरी उपाय यह है कि एकादशी के दूसरे दिन यानी द्वादशी की तिथि में ब्राह्मण को आमंत्रित करके उन्हें भोजन कराना चाहिए। भोजन के उपरांत दक्षिणा, वस्त्र, अन्न इत्यादि देकर के भेंट स्वरूप आप उनको देकर के विदा करें। इससे आपको और आपके परिवार को हर प्रकार से लाभ मिलेगा। तो इस तरीके से मैंने आपको ये 7 उपाय बताए। इन 7 उपायों को आप अपने जीवन में अपनाते हैं, खासतौर पर एकादशी की तिथियों में अगर आप इनको प्रयोग में लाते हैं तो आपको लाभ अवश्य मिलता है। भगवान विष्णु की कृपा से आपके जीवन में, आपके परिजनों के जीवन में जो भी कष्ट होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, उसमें आपको फायदा मिलेगा। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। एकादशी की तिथि में यदि आप किसी बटुक को यानी किसी 9 वर्ष की अवस्था से कम बालक को या विद्यार्थियों को अगर आप स्टेशनरीज देते हैं, उनको भेंट करते हैं, पढ़ाई लिखाई की चीज़ें, कॉपी, पेंसिल, बुक्स अगर आप उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और ख़ासतौर पर ऐसे बच्चे हों जिनके अभिभावक ना हों, जिनके माता पिता ना हों, उनके बीच में स्नेह वितरण करना, उनसे स्नेह प्रदर्शित करना, प्यार करना, उनको चीज़ें दे करके प्रसन्न करना, जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, इससे आपको देवी देवताओं की कृपा मिलती है, भगवान विष्णु की कृपा मिलती है। तो ईश्वर आपको सामर्थ्यवान बनाए रखे, जीवन में कभी किसी भी चीज़ की कमी आपके परिवार में ना हो, आपको लाभ निरंतर मिलता रहे, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद। तो आज के महाउपाय में हमने जाना कि कैसे निर्जला एकादशी पर भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही, देखते रहे समाचार बस।